कुल ए मेरे हबीब आप कहिए दुनिया वालों को बताइए, इन सलाती बेशक मेरी नमाज व नुसुकी और मेरी इबादत व महयाया और मेरा जिंदा रहना व ममाती और मेरा मरना लिल्लाहि रब्बिल आलमीन, यो सल्ला के लिए जो जानों का पालने वाला है, तुम्हारा नाम लेकर जी रहा हूँ, तुम्हारी याद मेरी जिंदगी है, इन सलाती व नुसुकी बेशक मेरी नमाज और मेरी इबादत व महया और मेरा जीना व ममाती और मेरा मरना लिल्लाहि रब्बिल आलमीन, उस अल्लाह के लिए जो पालने वाला है जानों का, ला शरीक लहू नहीं है कोई शरीक उसका, बिज़ालिक उमर तो इसी के साथ मैं हुक्म दिया गया हूँ, वाना अव्वलुल मुस्लिमीन और मैं मुसलमानों में से पहला मुस्लिम हूँ। नबी अलैहिस्सलाम से अल्लाह पाक कहला रहे हैं कि आप कहें कि मैं मुसलमानों में से पहला मुस्लिम हूँ। तो बरेलवी कहते हैं मौली उमर उशरवी अपनी किताब मिक़यास नूर में कहता है कि जब रसूल अव्वल मुस्लिम है तो इसका मतलब ये हुआ कि मुसलमान की शुरुआत तो आदम अलैहिस्सलाम से हुई है, रसूल जब अव्वल मुस्लिम है तो माना आदम अलैहिस्सलाम से पहले है ना, और बशरियत की इब्तिदा आदम अलैहिस्सलाम से हुई है, जब रसूल आदम अलैहिस्सलाम से पहले है तो माना बशर नहीं है ना। अरे बात समझ में आई या नहीं है? तो फिर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम कहते हैं अव्वलुल मोमिनीन फलम्मा अफाका क़ाल सुब्हानका तुबतु इलैका वाना अव्वलुल मोमिनीन, तो इसका मतलब यह कि फिर मूसा अलैहिस्सलाम भी आदम अलैहिस्सलाम से पहले थे ना, फिर ये फैसला नहीं हो सकेगा कि नबी अलैहिस्सलाम पहले मोमिन थे आदम अलैहिस्सलाम पहले मोमिन थे। बात ये समझ में आई नहीं? सारे खुराफात और डकोसले कुरान पर इफ्तरा तोहमतें, ऐसा कुरान का मतलब बयान करते हैं कि कुरान उस मतलब को फेंक देता है, उठा के फेंकता है। हाँ क्या नहीं लड़के? ऐसा मतलब बयान करते हैं कि कुरान उस मतलब को हाँ उठा के फेंकता है कि अना अव्वल मुस्लिमीन का क्या मतलब कि आदम अलैहिस्सलाम से पहले मुसलमान, तो फिर तो अना अव्वलुल मोमिनीन, तो फिर तो आदम अलैहिस्सलाम से हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम भी पहले मुसलमान। तो कहना पड़ेगा कि लिअन्ना इस्लाम कुल नबी मुतकद्दम अला उम्मती, तफसीर मदारिक और मुतअद्दद तफासीर, कि नबी को अव्वल मुस्लिम क्यों कहा, इसलिए कि मैं अपनी उम्मत में से पहले मुस्लिम हूँ, क्योंकि हर नबी का इस्लाम अपनी उम्मत पर मुकद्दम होता है। बात समझ में नहीं आई मेरे ख्याल में? अल्लाह जी कुल अगैर अल्लाह अबगी रब्बन, आप कहिए कि क्या मैं अल्लाह के अलावा को तलब करूं रब, वह रब कुल शैन, हालांकि वो अल्लाह रब है हर चीज़ का, वला तकसिब कुल्लु नफ्सिन इल्ला अलैहा, नहीं कमाता है कोई नफ्स मगर उस कमाई का वबाल, अलैहा उसी पर है, वला तज़िरु वाज़िरतुन विज़्रा उख़रा, और नहीं बोझ उठाएगा कोई बोझ उठाने वाला विज़्रा उख़रा दूसरे के बोझ को, सुम्मा इला रब्बिकुम मर्जियुकुम, फिर तुम्हारे रब की तरफ लौटना है, फिर तुम्हारी रब की तरफ मर्जी हुकुम तुम्हारा लौटना है, फयुनब्बी हुकुम पस वो अल्लाह तुम्हें खबर देगा, बिमा कुंतुम फी तख्तलिफून उस बात की जिसमें तुम इख्तलाफ करते रहे, वल्लज़ी जअलकुम खलाइफल अर्ज़ और वो अल्लाह वो ज़ात है जिसने तुम्हें बनाया खलाइफल अर्ज़ ज़मीन का खलीफा, आया कि नहीं है? अल्लाह ने तुम्हें ज़मीन का खलीफा बनाया क्यों, लिअन्ना मुहम्मदन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातमुन नबीयीन, इसलिए कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातमुन नबीयीन है, फउम्मतुहु कद खलफत सायरल उमम, बस नबी की उम्मत तमाम उम्मतों की खलीफा है। आया कि नहीं आया? क्या फरमाया कि अल्लाहुम्मरहम खुलफाई, सुनी थी असज़ा से हदीस या नहीं अलमुजमुल कबीर में, अल्लाहुम्मरहम खुलफाई, अल्लाह मेरे खलीफों पर रहम फरमा, अल्लाह के रसूल वमन खुलफाओं का आपके खलीफे कौन है, फरमाया अल्लज़ीन यातून मिन बादी, वो मेरे खलीफे वो हैं जो मेरे बाद आएंगे, व यरवून अहादीसी और मेरे अहादीस को रिवायत करेंगे, व युअल्लिमूना अन्नास और वो लोगों को रिवायतें सिखाएंगे। तो पता चला कि अल्लाह ने उलमा को अम्बिया का क्या बनाया है, नायब बनाया है। बातें समझ में आई या नहीं है? और बल्लिगु अन्नी वलो आयतन, गोया कि हर उम्मती जिसको कुरान की एक भी आयत मालूम है वो नायब है, वल्लज़ी जअलकुम खलाइफल अर्ज़
वो अल्लाह वो है जिसने तुम्हें बनाया ज़मीन का नायब, व रफ़ा बाज़हुम फ़ौका बाज़िन, और तुम में से बाज़ को बुलंद कर दिया है बाज़ पर दरजात, इन दरजात में। क्या मतलब? फिर शरफ़ व रिज़्क़, तुम में से बाज़ों को बाज़ों के बनिस्बत ज़्यादा इज़्ज़त दी है, तुम में से बाज़ों को बाज़ के बनिस्बत ज़्यादा रिज़्क दिया है। रिज़्क में और इज़्ज़त में अल्लाह ने तुम्हारे अंदर दरजात पैदा किए। क्यों? लियबलुव फ़ीमा आताकुम, आया कि नहीं, ताकि आज़माए तुम्हें अल्लाह उस नेमत में जो अल्लाह ने तुम्हें दी है, कि कैफ तशकुरून मदारिक, कि तुम किस तरह शुक्र करते हो नेमत को देख करके, अल्लाह का शुक्र करते हो या मज़ीद बगावत करते हो, आया कि नहीं है। इन्ना रब्बक सरीउल इक़ाब, बेशक आपका रब वो जल्द सज़ा देने वाला है, किसको? रे लिमन कफर, काफिर बेईमान को, मदारिक, उसको अल्लाह आखिरत में सज़ा देने में देर नहीं करेगा। बेशक आपका रब जल्द सज़ा देने वाला है, लेकिन सुन ले मुसलमान, व इन्नहु लगफूरुर रहीम, बिलाशुबा ये हकीकत है कि अल्लाह पाक मुसलमान के लिए बहुत ज़्यादा बख्शने वाला और बहुत ज़्यादा आराम करने वाला है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़्यामत के दिन अल्लाह रब्बुल आलमीन की, दरअसल इन्ना लिल्लाहि मियत रहमा, अल्लाह की 100 रहमतें हैं। अल्लाह पाक ने दुनिया के अंदर सिर्फ एक रहमत की इशाद फरमाई है, 99 रहमतों को अपने पास महफूज रखा है। क़्यामत के दिन अल्लाह रब्बुल आलमीन अपनी इन 99 रहमतों की भी इशाद करेंगे, और इसके ज़रिए अहले ईमान के गुनाहों को माफ़ करके उनको जिलों के लिए जन्नत का फैसला फरमाएँगे।